हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल कुकिंग माय किचन। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वेज पैटीज की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। तो चलिए हम जल्दी से इसे बनाना शुरू करें। मैंने ले लिया है एक नींबू, थोड़े से कटे हुए धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और एक बड़े साइज का ऑनियन जो मैंने बहुत ही बारीक चॉप किया है, और एक बड़े साइज का टमाटो जिसे मैंने बहुत ही बारीक चॉप किया है, और एक कुकुम्बर जिसे मैंने बहुत ही बारीक चॉप किया है, ककड़ी इसे साइड में रख देते हैं। मैंने ले लिया है एक बाउल, इसमें हम ऐड करेंगे ये सारी वेजीज इस तरह से। उसके बाद हम इसमें नींबू ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला, और ऐड कर देंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मैंने भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, एकदम अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें। ये जब हम मिक्स करेंगे ना, उसके बाद ही हमें डायरेक्टली फिलअप में डालना है। अगर हम मिक्स करके ज़्यादा देर के लिए इसे छोड़ देंगे तो इसमें से पानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। पानी रिलीज होगा तो आलू में जब हम इसे डालेंगे तो इफ ये अच्छी तरह से बाइंड नहीं होगा, इसलिए हमें इसे तुरंत मिक्स करके डायरेक्टली ही बनाना है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, इसे हम साइड में रख देते हैं। मैंने ले लिया है 1 kg पोटैटो, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाउल भर के ब्रेड क्रम्स, और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। तो हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। अगर आप चाहें तो हाथों से मैश करें, अगर आपको हाथों से नहीं जमता है तो आप मैशर से मैश कर लें। हमें बहुत ही फाइन मैश करना है इसे, अच्छी तरह से इसे मैश कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छी तरह से मैश करना है, मैंने इसे बहुत ही फाइन मैश कर लिया है, आप भी इस तरह से मैश कर लें। अब इसे साइड में रख देते हैं। जो मैंने पहले बना के रखा था, ये देखिए इसमें से पानी छूट गया, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं रखा तो भी इतना पानी निकल आया है। इसे इस तरह से साइड कर दें, इसका पानी एक तरफ हो जाए। अब इसे थोड़ा सा टेढ़ा रखें ताकि इसका पानी नीचे की तरफ जाते रहे। जब तक हम इसे रेडी करेंगे तब तक तो बहुत पानी छूट जाएगा उसमें से। इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथों पे, और उसके बाद हमें ये थोड़ा सा पोटैटो लेंगे और इस तरह से चिपटा करेंगे। इसके बाद हम इस तरह से खाएंगे 1 टेबल स्पून, और इसे ऐसे दबाएंगे, और इसे इस तरह से हल्के हाथों से बहुत ही स्लोली स्लोली इसे इस तरह से पैक करना है। ये देखिए ये पैक हो चुका है। ये खाने में बहुत ही यम्मी और डिलीशियस होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स भी करें। ये देखिए किस तरह से टिक्की बने हैं, हर तरफ से, कहीं से भी ओपन नहीं हुआ है।
इस तरह से मैं सारे टिक्की बना के रख लूँगी। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। मैं बताऊँगी कि आप हमें इसे किस तरह से फ्राई करना। इस तरह से मैं सारे टिक्की बना कर रख दूँगी। इस तरह से देखिए, इस तरह से ऐसे हाथों को इस तरह से करना है। उसके बाद इसे ऐसे बीच में डालना है। इसके बाद ये इसका फिलअप भरना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बार करेंगे तो नहीं आएगा, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, चौथी बार तो ज़रूर आ जाएगा। इसलिए आप ट्राई ज़रूर करें, हार ना माने। इस तरह से अगर कहीं से ओपन दिखे तो थोड़ा सा आलू रख के इसे पैक कर लें। ये देखिए, इस तरह से मैं सारे बनाकर रख लूँगी। मैंने दो अच्छे दो अंडों का अच्छी तरह से गोल बना कर रख लिया था। इस तरह से हमें इसी में डिप करके इसे फ्राई करना है। इसमें ऑयल डाल देते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। अभी नहीं गर्म हुआ, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसे ऑयल में ऐड कर देंगे। इस तरह से इस तरह से हमें लाइट गोल्डन होने तक इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब हम इसे कलर देंगे। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। इस तरह से हमें इसे कलर देना है। दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें पका लेना है। उसके बाद हम इसे टिश्यू पेपर से निकाल लेंगे। हमें बस इस तरह का कलर चाहिए। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर से निकाल लेंगे। अब ये खाने के लिए तैयार हो चुका है। हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। किसी भी चटनी के साथ, ग्रीन चटनी या टोमेटो की चटनी, कोई भी चटनी के साथ हम इसे सर्व कर सकते हैं। आप मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी से। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।